गाइस हम हाइट एंड डिस्टेंस का एक एक्सरसाइज 22B कर रहे थे और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ये कह रहा है कि एक पर्सन है जो बैंक ऑफ ए रिवर पर खड़ा है। बैंक का मीन्स यहाँ पर क्या है, बैंक का मीन्स है यहाँ पर किनारा, किसी भी रिवर का किनारा। जैसे मान लेते हैं ये रिवर है हमारे पास, यहाँ पर एक क्या है, एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, एक दूसरे बैंक पर खड़े ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर ट्री है एक, उसको ऑब्जर्व कर रहा है इस टाइप से। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारा। और ये कह रहा है कि इसका इस एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। आगे देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास, आगे क्या कह रहा है इसमें, आगे कह रहा है कि वैन ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, अगर वो 40 मीटर अवे जाता है बैंक से, ही फाइंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। तो वो देखता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है हमारा, 30 डिग्री हो जाता है। ओके, अब आपको क्या करना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। ये हाइट ऑफ ट्री आपको फाइंड करनी है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। ये 40 मीटर गिवन किया आपको, कर सकते हो इसे तो आप सिंपल, जैसे हमने फर्स्ट वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी टाइप से हैं इस क्वेश्चन जो हमारे थे। तो इसमें अगर हमें डीसी को फाइंड करना है, किस टाइप से कर सकते हैं डीसी को फाइंड हम, तो डीसी को फाइंड करने के लिए अगर हम लेट कर लेते हैं कि ये वाली वैल्यू एक्स हमारी और ये वाली वैल्यू वाई, देन हमारा क्या होगा। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल बीसीडी में, तो क्या होगा हमारा, टेन 60 डिग्री किसके इक्वल, टेन 60 डिग्री हमारा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर एक्स एंड बेस वाई के इक्वल। ओके, टेन 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी, इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, वाई इधर जाएगा तो जाएगा वाई √3 इक्वल्स टू एक्स। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ देन अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी टी, ए सी डी में भी क्या लेंगे हम, 10 30 लेंगे। देखो हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल ही लेते हैं, ए सी डी ले रहे हैं हम, ए बी डी नहीं लेंगे कभी भी, क्योंकि ये ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो हमने ए सी डी लिया है, ए सी डी में ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पर राइट एंगल है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर डी सी, परपेंडिकुलर डी सी अपॉन बेस, बेस कितना होगा, देखो बेस ए सी होगा, और ए सी को आप क्या लिख सकते हो, ए सी को लिख सकते हो 40 + y। 10 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है एंड एक्स, और ए सी की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए सी की वैल्यू जाएगी 40 + y। ओके, ये 40 + y हो जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 40 + y और √3 इधर कर लेंगे, 40 + y इक्वल्स टू √3 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू एक्स। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपको, तो आपको क्या करना है, इस वाई की वैल्यू को, इस वाई की वैल्यू को यहाँ से फाइंड करो और इसमें पुट कर दो, या तो आप ऐसे कर लो या फिर पहले वाई की वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे, एक्स की वैल्यू √3 पुट कर लो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं √3, और एक्स के प्लेस पर क्या कर सकते हैं, एक्स के प्लेस पर √3 ले सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 40 + y इक्वल्स टू √3 √3 3y। नाउ हम क्या कर सकते हैं, 40 = 3y - y, ये हो जाएगा हमारा 40 = 2y, और ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 20। y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 20 मीटर हो गई है हमारी। नाउ अब हम x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो क्या होगा हमारा, इन ट्रायंगल क्या देखेंगे अब हम, इन ट्रायंगल नहीं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे, अब तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक्स इजिकल्स टू क्या है हमारा, एक्स इक्वल्स टू है y√3। देखो एक्स इजिकल्स टू y√3 बोलो या y√3 इजिकल्स टू एक्स बोलो, सेम ही है। एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगी वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 20। अब हम क्या करेंगे, इस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा √3 में मल्टीप्लाई। तो आपको क्या फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री अप टू करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। तो 2 डेसिमल प्लेस, देखो इसने विड्थ ऑफ रिवर भी पूछा है, देखो ये जो वाई है, वाई क्या है, विड्थ ऑफ रिवर है, तो सेकंड पार्ट का आंसर तो इसका यही हो गया हमारा, किसमें, मीटर में। ओके, एंड ये वाला हमें 2 डेसिमल तक फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 20 × 1.732 वैल्यू होती है आपकी √3 की, पॉइंट हटाएंगे नीचे, कितना 1000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो, या तो आप इसे 2 से कैंसिल कर लो, 2 से इसे कर लो कैंसिल, और फिर 50 से डिवाइड करोगे, लेकिन देखो अगर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो नीचे 50 हो जाएगा, 50 से इसको डिवाइड करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ तो होगा नहीं, तो लेकिन हम क्या कर लेते हैं, 2 को इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि
हंड्रेड से क्या होगा हमारा, हंड्रेड से डिवाइड मल्टीप्लाई और हंड्रेड से डिवाइड करना इजी होता है। जैसे टू से मल्टीप्लाई किया हमने फोर, टू टू जो फोर, टू थ्री जो सिक्स, टू सेवन जो फोर्टीन का फोर, वन कैरी, टू और वन थ्री। कहाँ पर आएगा पॉइंट हमारा, डिवाइड में हंड्रेड है तो पीछे से टू डिजिट्स के बाद हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 34.6412, पीछे से टू डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो ये हो जाएगा 34.64 मीटर। ओके, ये हो गया हाइट ऑफ ट्री एंड ये हो गई विड्थ ऑफ रिवर मीटर में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये 20 मीटर है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स इज 75 मीटर एंड द एंगल एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड विच इज 160 मीटर हाई इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, फर्स्ट टावर की आपको हाइट फाइंड करनी है। किस टाइप से कह रहा है अब ये, तो देखो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, दो टावर्स हमारे पास, दोनों की हाइट सेम नहीं है, इज 75 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब उनके बीच का डिस्टेंस 75 मीटर है, और उनका एंगल ये कह रहा है कि एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम अ टॉप ऑफ द सेकंड टावर, दूसरे टावर से अगर हम एक दूसरे टावर के टॉप को देख रहे हैं तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 145 आ रहा है, जो कि हमारा जो सेकंड टावर है वो हमारा 160 मीटर हाई है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका फिगर देखते हैं, तो इस टाइप से कह रहा है कि दो टावर्स हैं हमारे पास जिनके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 75 मीटर है, यही बोल रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 75 मीटर है। अब एक जो टावर है जो 160 मीटर है, इसके टॉप से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन हम फाइंड करें, एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमारा, तो ये कितना है हमारा, अगर 45 है तो ये कितना होगा हमारा, तो ये भी 45 होगा, इसको भी हम क्या करेंगे 45, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे हम, तो इससे हमारा ये 45 होगा। अब क्या फाइंड करना है, सेकंड टावर की हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, ये सेकंड टावर हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर फाइंड करना है हमें, ए बी फाइंड करना है, ए बी सी डी ई। ओके, कैसे फाइंड करेंगे, टोटल हमारा 160 मीटर है, हमें क्या फाइंड करना है सी डी, और सी डी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल हमारा 160 है, अब अगर हम इसमें से ई डी माइनस कर दें, ई डी माइनस कर दें, ई सी में से ई डी माइनस कर दें तो डी सी आ जाएगा। अब ई डी होगा कितना, ई डी फाइंड कर लेते हैं, ई डी फाइंड कर लेते हैं, ई डी को अगर हम एक्सलेट कर लेते हैं, ये 75 है तो ये 75 होगा। नाउ अगर हम देखें इन ट्राइंगल ए डी ई में, इन ट्राइंगल ए डी ई में, ओके ए डी ई में 1045 करेंगे, अगर हम 1045 करेंगे तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना 75, 1045 की वैल्यू 1x अपॉन 75, 75 इधर ले जाएंगे हम तो कितना हो जाएगा 75 इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, ये डिग्री नहीं है, ये डिग्री नहीं है यहाँ पर, ये है मीटर में। ओके, तो ये हो जाएगा मीटर, x की वैल्यू 75 मीटर होगी तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सिंपल हो गया हमारा, ए बी कितना हो जाएगा, मतलब ए बी कितना हो जाएगा जितना डी सी होगा, तो डी सी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ई सी माइनस ई डी। ओके, ई सी की वैल्यू कितनी हमारी 160, ई डी की वैल्यू कितनी हमारी 75, ई डी की वैल्यू कितनी हमारी 75, माइनस करेंगे हम इसको कितना मिलेगा हमें ये 85। ओके, ये हो गया हमारा 85 मीटर, सिंपल क्वेश्चन था ये तो 12। 13 क्वेश्चन देखते हैं अब हम, 13 क्वेश्चन ये है हमारा, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 2y मीटर। अब क्या कह रहा है ये कि लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेन, लेवल प्लेन, ठीक है, इस तरीके से एक प्लेन पर अगर एक टावर खड़ा है तो उसकी जो शैडो है वो क्या है इसका, कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेन, लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 2y मीटर लॉन्गर देन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, ठीक है, सन के एल्टीट्यूड से ही क्या है 2y मीटर लॉन्गर है। अच्छा, फाउंड टू बी टू वाई मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 245 डिग्री। तो ये इस टाइप से कह रहा है यहाँ पर, ये कैसे कह रहा है कि आपका जब ये सन एल्टीट्यूड चेंज होता है, पहले 30 था और फिर 45 हो गया, ठीक है, ये कैसे कि जितना पास जाएंगे उतना ही आपको ऊपर की तरफ देखना होगा तो इतना ही एंगल ग्रेटर होता जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ए बी सी एंड डी। अब ये कह रहा है कि ये क्या है 2y मीटर लॉन्गर है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेन ग्राम इज फाउंड टू बी 2y मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन 45। तो जब 45 था और जब फिर 30 हो गया तो तब उसकी जो लेंथ है वो 2y मीटर लॉन्गर है,
2y मीटर लॉन्गर है ये लेंथ, मतलब ये सी डी गिवन किया है कि पहले वाली शैडो से ये वाली जो शैडो है 2y मीटर लॉन्गर है। ओके तो हम पहले वाली शैडो में 2y ऐड कर देंगे, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी 2y हो जाएगी। अब आपको कह रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ अ टावर, टावर की जो हाइट है ए बी, ये प्रूफ करनी है आपको। टू प्रूफ अगर हम इसको हाइट ले लेते हैं तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है आपको कि हाइट ऑफ अ टावर किसके इक्वल है हमारी वाई रूट थ्री प्लस वन के। तो इसको करेंगे अब हम सिंपल है, देखो इसमें भी हम हाइट फाइंड करेंगे, अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। हाइट फाइंड कैसे करेंगे, अब अगर हम इसको एक्सलेट कर लेते हैं, अब हमारी अगर इसको एक्सलेट कर लेते हैं तो देन हमारा क्या होगा। देखो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी दोनों ही ट्रायंगल यूज होंगे इसमें, तो टेन फोर्टी फाइव लेंगे, अगर हम टेन फोर्टी फाइव लेंगे तो कितना होगा परपेंडिकुलर एच और बेस एक्स। ओके टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वेन वन इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स ही हो गया हमारा एच, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी मतलब जो एच है वही ये एक्स है, ये दोनों सेम हो गए हमारे। लेकिन अब हमें क्या फाइंड करना है, इस एच की एक्चुअल वैल्यू, एच की वैल्यू वाई के टर्म में फाइंड करनी है, तो इस एक्स को भी वाई के टर्म में चेंज करेंगे। कैसे, इसको करने के लिए हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी लेंगे, ए बी डी में हमारा कितना हो जाएगा टेन थर्टी, कितना टेन थर्टी होगा हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना एच एंड बेस कितना होगा हमारा टू वाई प्लस एक्स। ओके टेन थर्टी की वैल्यू आपको पता है वन अपॉन रूट थ्री होती है इक्वल्स टू एच टू वाई प्लस एक्स की जगह हम क्या ले लेंगे एच। ओके क्योंकि हमें एच की वैल्यू चाहिए वाई के टर्म में, तो अब हम क्या करेंगे एच को एक जगह लाने की कोशिश करेंगे, तो ये जाएगा टू वाई प्लस एच क्रॉस मल्टीप्लाई, ये टू वाई प्लस एच इधर मल्टीप्लाई और रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई रूट थ्री एच। नाउ हम क्या करेंगे इसमें एच को इधर माइनस करेंगे, एच को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा रूट थ्री एच माइनस एच टू वाई इक्वल्स टू कितना होगा एच कॉमन लेंगे तो रूट थ्री माइनस वन। नाउ अब हम क्या करेंगे टू वाई डिवाइड बाय रूट थ्री माइनस वन इक्वल्स टू एच, अब क्या करेंगे इसमें रूट थ्री प्लस वन एंड रूट थ्री प्लस वन की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ओके क्या हो जाएगा ऊपर, ऊपर हो जाएगा हमारा टू वाई, टू वाई और रूट थ्री प्लस वन, ठीक है टू वाई की मल्टीप्लाई रूट थ्री प्लस वन ऐसे हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके डन, ये हो गया हमारा टू वाई रूट थ्री प्लस वन, डिवाइड में करेंगे इसको थ्री माइनस वन इक्वल्स टू एच। नाउ टू वाई रूट थ्री प्लस वन डिवाइड बाय टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी वाई रूट थ्री प्लस वन। हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था हमें, वाई रूट थ्री प्लस वन है, वाई रूट थ्री प्लस वन है एच की वैल्यू, यही प्रूफ करना था हमें। हो गया हमारा प्रूफ, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्टीन, सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, बोल रहा है कि एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, फ्लाइंग कर रहा है वो हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। कैसे फ्लाई कर रहा है, इस टाइप से फ्लाई कर रहा है लेकिन वो ग्राउंड से कितने किलोमीटर पर है, ग्राउंड से 1 किलोमीटर अबव हाइट पर है, ये 1 किलोमीटर अबव हाइट पर है। ग्राउंड गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व एट एन एंगल 60 डिग्री, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एंगल, इट्स एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री, फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आर। अब देखो पहले कोई ऑब्जर्वर था जिसको ऑब्जर्व कर रहा था जब इसकी पोजीशन ये थी हमारी, ठीक है जब इसकी ये पोजीशन थी हमारी तो ये इसको ऑब्जर्व कर रहा था हमारा, तो ये कितना था हमारा एरोप्लेन, तब ये फ्लाई हो रहा था हमारा, तो ये क्या था हमारा यहाँ पर कितना बना रहा था 60 डिग्री। ओके 60 डिग्री प्लेन बनाना नहीं है, हमने तो आपको समझाने के लिए दिखाया। अब ये प्लेन इस टाइप से यहाँ पर फ्लाई कर रहा है और ये हाइट इसकी कांस्टेंट है 1 किलोमीटर ही है, ठीक है। अब ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 10 सेकेंड आफ्टर, आफ्टर 10 सेकेंड इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, आफ्टर 10 सेकेंड इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है, वो कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो 10 सेकेंड उसे टाइम कहाँ से कहाँ तक लगा, उसे टाइम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 सेकेंड लगा है। ओके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको 10 सेकेंड लगा है क्योंकि पहले इसकी इनिशियल पोजिशन ये थी, अब यहाँ से इसको यहाँ आने में 10 सेकेंड लगे हैं। अब ये कह रहा है कि क्या आपको फाइंड करना है इसका स्पीड ऑफ एरोप्लेन, फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एरोप्लेन, तो स्पीड बिल्कुल सेम है,
वो सेम स्पीड चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है सेम स्पीड, ओके उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो अब आपको बताना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखो अगर हमारे पास ये वाला टाइम है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और हमें पता चल जाए कि इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम करके इसकी स्पीड फाइंड कर लेंगे। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे इस पॉइंट तक, यहाँ से बी और सी ले रहे हैं अगर हम, तो बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस, तो सिंपल है। देखो पहले हम निकाल लेंगे क्या इसमें, ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, हम क्या निकालेंगे इसमें ए सी निकालेंगे। ए सी किसकी हेल्प से, इस ट्राइंगल के ए सी डी की हेल्प से। अगर हम देखें इन ट्राइंगल ए सी डी में, तो क्या लेंगे टेन थर्टी ले लेंगे, टेन थर्टी की वैल्यू। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हमारा डी सी, और डी सी कितना है हमारा 1 है, ओके। बेस हमारा कितना ए सी, टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3। डी सी कितना है हमारा 1 है डिवाइड बाय ए सी, ओके। ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इस ए बी को, नाउ हम फाइंड करेंगे इस ए बी को। इस ए बी को फाइंड करने के लिए क्या लेंगे, इन ट्राइंगल क्या लेंगे हम, ये लेंगे हम ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई में। तो इन ट्राइंगल ए बी ई में क्या होगा हमारा, टेन 60 होगा, ये होगा हमारा टेन 60। और टेन 60 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बी ई अपॉन बेस कितना ए बी, बेस ए बी। टेन 60 की वैल्यू 3 होती है, बी ई की वैल्यू 1 अपॉन ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। अब क्या करेंगे, ए सी में से ए बी को माइनस कर देंगे। तो अगर हमें डिस्टेंस बी सी फाइंड करना है, तो डिस्टेंस बी सी के लिए हम क्या करेंगे, ए सी माइनस ए बी कर देंगे। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए सी की वैल्यू है 3, ए सी की वैल्यू 3 माइनस ए बी की वैल्यू 1/√3, ओके। अब हम करेंगे इसमें 3 दोनों में क्या हो जाएगा, 3 दोनों का क्या हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 × √3 3 3 − 1, ये हो जाएगा हमारा 2/√3, ओके। अब हम इसको सोल्व करेंगे, किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं इसको, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 2/3 लेना है, ओके। 2/√3 की वैल्यू मतलब ये डिस्टेंस हो गया हमारा किलोमीटर में। अब अगर आपको स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो हमारा ये हो गया 2/√3 किलोमीटर, लेकिन टाइम 10 सेकेंड है, सेकेंड को किलो ओ सेकेंड को आर में चेंज करना है, क्योंकि आपको जो फाइंड करनी है स्पीड वो किलोमीटर पर आर में चेंज करनी है। सेकेंड को आर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में चेंज, और फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो आर में चेंज हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये इससे मल्टीप्लाई एंड ये वाली वैल्यू सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 60 × 6 / √3। अब क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें देखो 3 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, नीचे 3 हो जाएगा, नीचे 3 हो गया, ये हमारा नीचे 3 हो गया, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा हमारा 2, ओके। तो अब यह इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 6 12 12 2 24, तो 240√3, ये 240√3 की मल्टीप्लाई अगर हम किस में कर लेते हैं, 1.732 में कर लेंगे, तो इसकी स्पीड आ जाएगी हमारी किलोमीटर पर आर में। कर लेते हैं इसे सोल्व, पॉइंट हटाएंगे नीचे, 1000 10 से 10 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1732 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, तो इससे हम कैंसिल नहीं करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि 100 से डिवाइड करना ईजी होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 8, 4 3 12 का 2 1 कैरी, 4 7 28 28 और 1 29, 2 4 2 6 एंड यहाँ पर 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14 का 4 1 कैरी, 2 और 1 3, ओके। ये हो गया हमारा 8 एंड ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया 6, ये हो गया 6 एंड ये कितना हो गया, 9 और 6 कितना हो गया हमारा, 9 और 6 हो गया 15, 15 का 5 करेंगे 1 कैरी, यहाँ 11 का 1 हो जाएगा 1 और ये 4, तो 4 1 5 4 1 5.68, ओके। ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया हमारा, 15 को करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 ने कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री।
रेस्पेक्टली फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टू स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। तो हिल के फुट से उनका डिस्टेंस कितना होगा जो हमारे स्टोन्स हैं। तो आप कह रहा है कि टू कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये जो माइल स्टोन्स होते हैं हमारे इस टाइप से, तो ये टू कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से उस पर लिखा होता है NH-11 NH-92 इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा कॉन्जिक्यूटिव। अब कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होगा कि इनके बीच में कितना डिफरेंस हमारा 1 किलोमीटर का है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर ये आपको मिलते हैं माइल स्टोन। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये सी एंड डी। ये यहाँ से अगर हम इसको एंगल ऑफ क्या बनाते हैं, डिप्रेशन बनाते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बनेगा, तो वही हमारा ये सेम हो जाता है हमारा। तो बताओ कौन इसमें क्या होगा, 30 होगा, कौन 45 होगा। तो जो बड़ा एंगल होता है वो उतना ही पास होता है, क्योंकि वो उतना ही बड़ा होता है ग्रेटर, क्योंकि जितना पास जाते हैं हम उसके लिए देखने के लिए हमें उतना ही अपना चेहरा ऊपर उठाना होता है। तो ये हो गया 40, तो ये हो गया 30। ऐसे हम इसको कॉमन सेंस लगाकर बता सकते हैं कि कौन 30 होगा कौन 45। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 1 किलोमीटर हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, क्या फाइंड करना है हमें, ए सी फाइंड करना, बी सी फाइंड करना है। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू भी नहीं है एंड ये वाली वैल्यू भी नहीं है। अब देखो अगर हम इसको लेट कर लेते हैं एक्स, ओके, इसको लेट कर लेते हैं वाई। तो अब हम इस वाले ट्रायंगल में देखें, अगर बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी में देखें अगर, तो बी सी डी में क्या होगा हमारा, टेन फोर्टी फाइव किसके इक्वल होगा हमारा, परपेंडिकुलर एक्स एंड बेस वाई के। 1045 की वैल्यू 1 होती है, एक्स अपॉन वाई, वाई की वैल्यू एक्स आ गई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। नाउ अब हम फाइंड करेंगे क्या, डी सी ए या ए सी डी को, इन ट्राइंगल ए सी डी लेंगे हम, ए सी डी में क्या लेंगे हम, टेन थर्टी डिग्री लेंगे। 1030 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर एक्स एंड बेस ए सी, बेस ए सी को क्या लिखेंगे, 1+y लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है 1 और ये क्या है वाई। अब 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब देखो वाई और एक्स दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम एक्स की जगह वाई रखेंगे, क्योंकि हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, दोनों ही सेम ही है। तो अगर हम वाई की जगह एक्स रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1+x क्रॉस मल्टीप्लाई, 1+x ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इधर हो जाएगा, √3x। नाउ एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, तो 1 = √3x - x, 1 = x कॉमन लेंगे तो √3 - 1। नाउ हम क्या करेंगे, 1/√3 - 1 इधर आ जाएगा = x, एक्स की वैल्यू आ गई। क्या इसको अभी सोल्व करना बेटर है या फिर इसको रेशनलाइज करें, हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, हम रेशनलाइज √3 - 1 एंड यहाँ पर कितना, √3 + 1। ओके, तो ये हो गया हमारा √3 - 1, तो है इसमें √3 + 1 एंड √3 + 1 की मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़ेगी = x। ये हो गया हमारा √3 + 1 एंड ये हमारा √3 - 1, √3 + 1 क्या हो जाएगा, a² - b² = x। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा √3 + 1 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3, √3² 3 एंड नहीं -1 = x, ये हो जाएगा √3 + 1/2। ये कितना हो जाएगा, 1.732 + 1/2 = x। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.732 / 2 = x, तो हो जाएगी 2 × 3 = 6, 1 × 2 = 12 एंड 2 × 6 = 12। इतना किलोमीटर तो हो जाएगा ये x, मीन्स b से c का डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस जो हमारा b से c का डिस्टेंस है वो इतना हो जाएगा। ओके, एंड देन हमारा ए से सी का डिस्टेंस क्या होगा, ए सी कितना होगा हमारा, ए सी कितना होगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है 1 किलोमीटर है, बी सी कितना है, अभी हमने फाइंड किया है ये 1.366, इसको 1 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.366। ओके, ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर में। तो दोनों डिस्टेंसेस आ गए हमारे, बी सी का भी और ए सी का भी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 20, 22 बी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें आगे करेंगे इसको, अभी के लिए इतना रखते हैं। और अदर जो वीडियोस हैं हमारी 10th क्लास की, अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इसी टाइप से आप हमें सपोर्ट करते रहें। ओके गाइस, हम भी आपकी जितनी भी हेल्प हो सकेगी पूरी हेल्प करेंगे आपको,
पूरा सपोर्ट करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।